चैनल टेक जिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं वन प्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि है वन प्लस 7 एंड वन प्लस 7 प्रो। तो ये स्मार्टफोन्स को लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा लीक्स एंड रूमर्स तो आ ही चुके हैं, एंड ये स्मार्टफोन फाइनली 14th मई को ऑफिशियल होने वाला है इन इंडिया, US एंड यूरोपियन मार्केट साइमल्टेनियसली। इन इंडिया में ये स्मार्टफोन का लाइव स्ट्रीमिंग होगा 14th मई को रात को 8:15 को, एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन के ऑफकोर्स ये लॉन्च इवेंट के सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में, वन प्लस 7 एंड वन प्लस 7 प्रो। तो ऑफकोर्स ये स्मार्टफोन में मेजर डिफरेंसेस भी है, मेजर डिफरेंसेस है स्मार्टफोन के स्क्रीन साइज को लेके, एंड यस उसके लुक्स को लेके भी। जहाँ पे वन प्लस 7 का लुक कहीं ना कहीं वन प्लस 60 जैसा ही है, बट वन प्लस 7 प्रो तो यस ये स्मार्टफोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा यस ये स्मार्टफोन के दूसरे बहुत डिफरेंसेस भी है, तो डेफिनेटली हम आगे डिस्कस करते हैं, साथ में इसके प्राइसेस को लेके भी हम डिस्कशन करेंगे। बट फ्रेंड्स, अब शुरू करने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वन प्लस 7 एंड वन प्लस 7 प्रो के बारे में। डिज़ाइन परस्पेक्टिव से तो हम लोग ने देखा कि ये स्मार्टफोन में मेजर डिफरेंस है कि एक में पॉपअप सेल्फी कैमरा है तो उसके प्रो वेरिएंट में है, बट नॉर्मल वन प्लस 7 में नहीं है। हालांकि ये दोनों स्मार्टफोन्स में बैक पैनल में ग्लास दिया जाएगा, एंड इसके अलावा अगर दूसरे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं वन प्लस 7 प्रो पे। तो यस, ये स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंचेस का स्क्रीन मिलेगा जो काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट बेजललेस, नो नॉच इन द फ्रंट स्क्रीन। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में स्क्रीन रेजोल्यूशन रहेगा 1440 पिक्सल्स इनटू 3120 पिक्सल्स का, एंड साथ में यहाँ पे 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी मिलेगा। एंड यस, ये स्मार्टफोन में स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दिया जाएगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में आपको ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिलता है विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट। रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल वेरियंट्स है, जैसे कि 6GB रैम, 8GB रैम, एक और बड़ा वेरिएंट है जो कि रहेगा 12GB रैम वाला। एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें जो है 128GB एंड 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, एंड ऑफ कोर्स ये डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में स्मार्टफोन अवेलेबल रहेंगे। हालांकि एज पर वन प्लस जो ट्रेडिशन फॉलो करता है कि ये स्मार्टफोन में आपको कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा टू एक्सपेंड द मेमोरी। OS को लेके बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9 पाई पे रन करेगा, एंड ऑफ कोर्स साथ में ऑक्सीजन OS का लेयर तो रहेगा ही स्मार्टफोन में। कैमरास, दिस इज अगेन अ मेजर डिफरेंट पॉइंट कि वन प्लस 7 प्रो के बैक पैनल में 3 कैमरा रहने वाले हैं जो कि वर्टिकली प्लेस्ड है टॉप सेंटर में स्मार्टफोन में। प्राइमरी कैमरा रहेगा 48 मेगापिक्सल सेंसर्स का, उसका अपर्चर रहेगा f1.6, उसमें सोनी के IMX586 लेंसेज यूज़ किए रहेंगे। दूसरा कैमरा रहेगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए, वो 16 मेगापिक्सल का रहेगा, उसका अपर्चर रहेगा f2.2। एंड जो थर्ड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल सेंसर्स वाला जिसका अपर्चर है f2.4, एंड ऑफ कोर्स वहां पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम फीचर भी मिलता है, डेप्थ फीचर भी है स्मार्टफोन में। इसके अलावा ये स्मार्टफोन के बैक पैनल में LED फ्लैशलाइट दी गई है, इसके प्राइमरी कैमरा में EIS फंक्शनलिटी भी दी गई है, एंड दूसरी कुछ फंक्शनलिटीज़ है जो कि है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, लेजर ऑटो फोकस, कंटिन्यूस ऑटो फोकस, एंड दूसरे ब्यूटिफिकेशन फीचर्स, HDR मोड, पैनोरामा मोड, ये सारे फीचर्स ये स्मार्टफोन में है। अब बात करते हैं वन प्लस 7 प्रो के फ्रंट कैमरा के बारे में। तो ये स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल सेंसर्स वाला, उसमें सोनी के IMX471 लेंसेज यूज़ किए गए हैं, एंड साथ में ये स्मार्टफोन में भी EIS दिया गया है, साथ में इसका अपर्चर है f2.0, एंड ऑफ कोर्स ये स्मार्टफोन के फ्रंट में फेशियल अनलॉक फीचर दिया गया है। अब बात आती है बैटरी के बारे में। तो ऐसा कहा गया है कि स्मार्टफोन में 4000 mAh की बैटरी रहने वाली है, एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में 30 वॉट्स का वेब चार्ज भी मिलने वाला है। तो ये थी ओवरऑल बात वन प्लस 7 प्रो के बारे में। बात करते हैं वन प्लस 7 के बारे में। तो वन प्लस 7 में आपको स्क्रीन मिलेगा 6.4 इंचेस का, जहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन रहेगा 1080 पिक्सल्स इंटू 2340 पिक्सल्स। फ्रंट डिस्प्ले में नॉच रहेगा, 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो अगेन रहेगा, एंड ऑफकोर्स प्रोसेसर के बारे में बात करें, उसके OS के बारे में बात करें, तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू वन प्लस 7 प्रो। रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन के दो ही वेरियंट्स होने वाले हैं। बेस वेरियंट है 6GB रैम विद 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, एंड हाई वेरियंट है जो कि है 8GB रैम विद 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। एंड ये स्मार्टफोन में भी आपको कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड नहीं मिलना है, मिलने वाला है टू इंक्रीज द मेमोरी स्पेस।
एंड बात करते हैं वन प्लस सेवन के कैमराज को लेके, तो येस अगेन एज ए सेट केस मेजर डिफरेंस है कि स्मार्टफोन के बैक पैनल में डुअल कैमरा ही रहने वाला है। प्राइमरी कैमरा रहेगा 48 मेगापिक्सल सेंसर्स का, जिसका अपर्चर रहेगा f1.7, एंड दूसरा रहेगा केवल 5 मेगापिक्सल कैमरा का जो है डेप्थ सेंसरिंग के लिए। एंड फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो हालांकि कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा भी समवेयर सिमिलर टू वन प्लस सेवन प्रो ही रहेगा 16 मेगापिक्सल सेंसर्स वाला। एंड ये स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में बात करें तो येस वन प्लस सेवन में आपको 3700 mAh की बैटरी मिलने वाली है। एंड इसके साथ ये स्मार्टफोन में 20 वॉट्स का चार्जिंग सपोर्ट तो रहेगा ही, बट यहाँ पे ये स्मार्टफोन में वन प्लस सेवन प्रो के जैसा कोई भी 30 वॉट्स का वेब चार्ज नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस वन प्लस सेवन एंड वन प्लस सेवन प्रो के बारे में। सिमिलैरिटीज है उसके प्रोसेसर को लेके, उसके OS को लेके। अदर मेजर सिमिलैरिटी है कि ये दोनों स्मार्टफोन में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर रहने वाला है। एंड इसके अलावा मेजर डिफरेंसेज है उसके डिज़ाइन को लेके, पॉपअप सेल्फी कैमरा जो इसमें नहीं है वन प्लस सेवन में। साथ में वन प्लस सेवन प्रो में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप मिलता है जो यहाँ पे नहीं है। एंड थोड़े बहुत एडवांस फीचर है जैसे कि 30 वॉट्स का वेब चार्ज देखा। साथ में वन प्लस सेवन प्रो में 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले पैनल भी मिलने वाला है जो कि आपको वन प्लस सेवन में नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइसिंग को लेके। तो हालांकि वन प्लस सेवन के प्राइसिंग कुछ ऐसे है कि जो उसका बेस वेरिएंट है वो समवेयर आपको 37,000 के आसपास मिलेगा, जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है वो 40,000 के आसपास मिलेगा। एंड बात करती है वन प्लस सेवन प्रो के बारे में, तो उसका बेस वेरिएंट है जो कि है 6GB रैम के साथ 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, वो स्मार्टफोन का प्राइस करीबन इंडियन रुपीज में 49,999 रहेगा, तो बेसिकली 50,000 हुआ। जो नेक्स्ट वेरिएंट है जो कि है 8GB रैम विद 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, वो स्मार्टफोन का प्राइस करीबन 52,999 रहेगा, तो 53,000। एंड जो उसका टॉप मोस्ट वेरिएंट जो कि है 12GB रैम के साथ 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, वो स्मार्टफोन का प्राइस समवेयर अराउंड 57,999 रहेगा, तो हो चुका 58,000। फ्रेंड्स ये थे ओवरऑल बबल्स वन प्लस सेवन वन प्लस सेवन प्रो से कनेक्टेड। 14 मई को ऑफिशियल होने वाला है ये स्मार्टफोन। एंड ऑफकोर्स अमेजोन पे स्मार्टफोन के रिलेटेड एक पेज भी आ चुका है ऑनलाइन, बट जल्दी ही ये स्मार्टफोन सेल के लिए अवेलेबल होने वाला है। तो लेट्स सी कि आज जो स्पेसिफिकेशंस बोले वो कहीं ना कहीं 85% 90% कन्फर्म्ड ही है, बट फाइनली लॉन्च डेट क्या रिवील होता है, एक्चुअल प्राइसेस क्या आते हैं, तो लेट्स वेट एंड वॉच। बट टिल देन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।